एक लड़की को जला दिया जाता है, स्कूल से आ रही लड़की उसके ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन व्यवस्था है, एसपी महोदय, डीएम महोदय सब वहाँ पे मौजूद हो चुके जब लड़की जल जाती है तो, लेकिन उसके गुनहगारों को एक को भी नहीं पकड़ा जाता है। साथ ही होता क्या है कि उस लड़की को रेफर कर दिया जाता है सफदरगंज अस्पताल में। सफदरगंज उस लड़की 36 घंटे अपने ज़िंदगी से लड़ती है मौत, और लास्ट में मौत उसकी हो जाती है। उसके बाद यहाँ के जो साथी हैं हमारी रजनी बहुत जी जो बसपा की है और उनकी बेटी है वो, है ना, तो वो जाती हैं इनके साथ, हमारे पुनिया भाई जाते हैं, हम जाते हैं, शेखर भाई जाते हैं, हम लोग उन उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसके गांव जाते हैं। गांव में जाने के बाद क्या होता है, हम लोग वहाँ पे देखते हैं, देखने के बाद हम लोग का दिल बिल्कुल दहल जाता है। दहलने का कारण यह है कि उस लड़की को दफनाने के लिए वहाँ पे सारा व्यवस्था बनाया जाता है। इंसाफ हो या ना हो उस पर किसी ने उस पर चर्चा नहीं किया। इंसाफ उस लड़की को मिलना चाहिए, उसको क्यों जलाया गया, क्या उसके आरोपी पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की है। उस लड़की को जलाने के लिए वहाँ पे जो काटी वोटी बना के तैयार करके रख दिया जाता है, फिर वहाँ पे पुलिस कहती है कि इसको जल्दी से लड़की को जला दिया जाए। फिर हम लोग मांग करते हैं उस लड़की के लिए कि उस लड़कियों को इंसाफ होना चाहिए। आज ये संजली जली है, कल कोई और संजली जल सकती है। तो संजली को हम लोग मांग करते हैं कि संजली को जलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी सजा मिले। संजली की एक बड़ी बहन है, कल के डेट में कोई उसे और भी जला सकता है, तो उसको प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उसको संरक्षण दिया जाए। उस पर वहाँ के डीएम महोदय कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये तो कानून की बात है। और मैं सरकार की बात करूँ तो वहाँ का जो विधायक है वो भी यहाँ पे नहीं आ पाए, सांसद नहीं आ पाता है। हम लोग मांग करते हैं कि उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये उनके दोषियों को पकड़ा जाए। उस लड़की के घर में एक नौकरी, 1 करोड़ रुपये, और उसके बाद से उसको संरक्षण दिया जाए, ताकि कल के डेट में फिर कोई ना हो कि उनके परिवार में उस तरह से उनको मार दिया जाए चाहे जला दिया जाए। फिर दूसरी कोई उनकी उसकी बहन हो, बेटी हो, चाहे उस गांव की किसी भी लड़की को जलाने का काम कर सकते हैं। इस तरह के मनवादी ताकतें हमारे देश में काम कर रही है, जिस तरह से चल रहा है माहौल। दूसरी बात यह है कि एक लड़की को जलाने के बाद हम 2012 में जाना चाहेंगे निर्भया के पास। जब निर्भया के लिए हम सब लोग लड़े थे, पूरे देश के लोग लड़े थे, उसमें कोई भी जाति एक आदमी के नहीं थे, सभी जाति के लोग गए थे। इस लड़की को जला दिया गया है। इस लड़की को जलाने के लिए क्या देश में सिर्फ एक जाति के पक्ष की बात होती है, होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। उस लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी देश भर में जो जिनके घर में माँ बहन बेटी है वो चाहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी को इंसाफ मिले, तो हम लोग उनको इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से मांग करेंगे, रोड पर उतरेंगे। जब तक उनके हथियारों को पकड़ा नहीं जाता, उनके घर में एक नौकरी, उनको संरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग रोड पर उतरने का हम काम करेंगे और देश में बताएंगे कि हमारी जब बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। 18 साल की लड़की, बताइए अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, पूरे देश के साथी जो भी हैं, जो अपनी जिनके घर में बेटी होगी, 12-15 साल की लड़की को क्या पता है वो किससे दुश्मनी कर सकती है, उसको क्या लेना देना है। तो उस लड़की को जला देने के बाद वहाँ के प्रशासन के लोग मिलके, मैं एक और घटना बताऊँ वहाँ पे घटना क्या घटी थी। रात को वहाँ पे पुलिस ने कहा कि हम लाश को ले जा रहे हैं जलाने के, घर वाले बिल्कुल नहीं माने, हमारे फेसबुक लाइव पे है वहाँ पे, और मीडिया वाले भी कुछ उठाए हैं जो टीवी पे चल रहा है, उसमें प्रशासन उसके लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि हमारी लड़की का दाह संस्कार नहीं होगा। उसके एक और भाई को मार दिया गया है, उसका भाई कैसे मरा है नहीं मरा है इस पर कोई पता नहीं चल रहा है। उस पर अपने प्रशासन से कुछ हुआ कि नहीं, उसका लड़की के साथ कुछ क्या है नहीं है उसने बताया, तो उसका मैटर है कि अगर लड़का जो दोषी है उसको पकड़ा गया तो पुलिस ने उसको छोड़ा क्यों। तो यहाँ पे सीधे जाति की जा रही है, वहाँ पे बड़ व्यवस्था के लोग हैं, और उस गांव में सबसे पहले तो जो छोटी जात के लोग हैं उसको दबाया जा रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और भी बहुत ऐसे केस हुए हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला हुआ। लड़की की लाश जला दी गई जबरदस्ती, बाप बोल रहा है कि नहीं हमारी लड़की की लाश नहीं जलेगी, सुबह जलेगी, फिर भी प्रशासन ने जबरदस्ती करके, हम लोग चार लोग थे, हम लोगों को प्रशासन वहाँ से लाठीचार्ज करती है। अंदाजा लगा इस देश में कैसे प्रशासन चले, कैसे शासन चले। हम लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है, उस गाँव की लाइट बंद करा दी जाती है। बंद कराने के बाद हमारे ऊपर 40-50 पुलिस वालों को मसीगंज लेके हमारे पीछे खड़े होते हैं, हम लोग जाकर बंद कर देते हैं।
उसके बाद से लड़की को लाश को गांव के पीछे से लेके जाया जाता है, उसको जला दिया जाता है। घर वालों को ये बोला जाता है कि अगर आप लोग पीएमओ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसको क्लियर होने के बाद अगर आप लोग एफआईआर अगर आप लोग इसको जलाते नहीं है, उसको दाह संस्कार नहीं करते हैं, तो आप लोग के ऊपर एफआईआर हो सकता है। यह प्रशासन वहाँ पर कह रहे हैं जो वहाँ के डीएम महोदय। हमने डीएम महोदय से यहाँ पर एक मांग की थी कि इस बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कल कोई दूसरी बिटिया ना आ जाए जिसके ऊपर इस तरह का दोबारा कर्म हो सके, कुकर्म हो, तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए आपका क्या स्टेटमेंट है, आप क्या कहेंगे प्रशासन से? उन्होंने कहा कि हम लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि 72 घंटे के अंदर में एक बिटिया के गुनाहगार को नहीं पकड़ा गया, एक सुराग नहीं मिल पाया, तो हम आप पे कैसे भरोसा कर लें? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया, हम लोग को ले जाके गाँव के बाहर पुलिस वालों के साथ घसीटा और कहा हम लोग को फिर दोबारा गांव में घुसने नहीं दिया। गांव के बाहर बाहर जो गांव से पिछवाड़े से होता है, पिछवाड़े से लाइन से उस लड़की के लाश को जबरदस्ती उठा कर ले गया और जला दिया गया। सुबह में उसका जो भाई को मारा गया है, उसका भाई कैसे मारा है, क्यों मारा है, क्या मर्डर था, पुलिस वाले ने उसको ले गए जेल में बंद किए, उसको मारे, प्रताड़ना किए, फिर वो आया, लड़का घर में आया, फिर मर गया। उसका ये भी पता नहीं चल पाया कि वो लड़का क्यों मारा है, कैसे मारा है। प्रशासन कह रहे हैं कि वो उसका गवाह था, अगर गवाह था तो आपने उसे छोड़ा क्यों, जिम्मेदारी आपकी है, उमरा कैसे? तो उस पर भी प्रशासन दे रही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है कि इस देश में बे औलादों की सरकार चल रही है, देश हो प्रदेश दोनों में इनके औलाद है नहीं, जिनके औलाद होते हैं उनको दर्द होता है। तो इनके हमारा दर्द है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और उस बेटी के लिए मैं समस्त देशवासियों को जिनके घर में माँ बहन बेटी है उन लोग अपनी बेटी की इच्छा संरक्षण चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको रोड पर निकलना होगा। निर्भया के साथ जिस तरह से इंसाफ मिला, इस तरह से इस दलित के बेटी के भी साथ इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम लोग का दर्द है। हम लोग मैं बता दूं कि जब यहाँ पे लाश उससे हम लोग लेकर गए गांव में, तब से उसके घर में उस वहाँ पे हमने बेकायदा नज़र बनाई रखी। उसके बाद से अभी हम लोग वहीं से आके डायरेक्ट हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ताकि ये बात देश में पहुँच सके आप लोगों के माध्यम से, और सब जिसकी जिसकी बेटी है जो अपनी बेटी को संरक्षण करना चाहते हो सब लोग आए और एक साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग बहुत जल्द ही डेट फिक्स करेंगे। उसमें चाहेंगे कि उसमें कोई किसी का कोई बात नहीं हुई, सब एक बेटी बचाने के लिए जस्टिस फॉर संजली के लिए सब लोग आएँ और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ें। चाहे और भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।